कदर कर है, कत्ल होगा, शहादत होगी निर्मल महतो की, शहादत होगी सुनील महतो की, और टाटा में असिस्टेंट जीएम के पद पर काम करेगी एसएससी पत्नी। हम सवाल करेंगे, ये सवाल करने का हमको हक है। शहादत देंगे सुनील महतो। आज उनकी विधवा माँ रो रही है, आर्थिक दंड स्थिति का सामना कर रही है, और एसएसपी की बीबी या फ्री फोकट में जनरल मैनेजर पद पे काम करेगी। हम इससे सवाल करेंगे, आपको जो कहना है कीजिए, आपको जो करना है कीजिए। अरे कब तक करेंगे प्रधानवासी, कब तक करेंगे, कब तक इनकी गुलामी सहेंगे? अरे जिनके हमारे बाप दादाओं की जमीनों पर टाटा जमशेदपुर खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे उसमा सिंह खड़ा है, हमारी बाप दादा की जमीन पे टिस्को खड़ा है, इस बात को ध्यान में याद रखिएगा कोलानवासियों। आज कोलांचल से ये टाइगर ये संदेश लेके आया है कि अब हमें डरने की नहीं, अरे मरना पड़े तो मर जाइए, लेकिन आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए आज हमें इस लड़ाई को लड़ना होगा। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं सवाल करूंगा टाटा मैनेजमेंट से कि ललित दास कौन है? हो इज ललित दास, वॉट इज हिज एबिलिटी, उसकी योग्यता क्या है? कौन है ललित दास, उसकी योग्यता क्या है? कितना सच पड़ा है कि आज सीएसआर को संभालेगा, आज IL6 में नौकरी करेगा, सारा चीज का गांव गजड़ा, एक नहीं 18 गांव टाटा की योजना है, और छत्तीसगढ़ का रघुवर दास जी का बेटा ललित दास यहाँ IL6 में नौकरी करेगा, सीएसआर को संभालेगा। हम सवाल करेंगे, पूछेंगे मैनेजमेंट से, छापिए इसको हेडलाइन में कि जयराम महतो टाटा प्रबंधन से सवाल करता है, जमशेदपुर की टाटा प्रबंधन से कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? बाहर बात छा मजाक बना के रख दी है, कत्ल होगा हमारा, लहू बहेगा हमारा, हमारी लहू से स्वर्णरेखा की नदी लाल होगी, हमारी लहू से दामोदर की नदी लाल होगी, और ललित दास माला माल होगा। हम सवाल भी करेंगे और बवाल भी करेंगे, इस बात को लिख लीजिए। आइए सामने टाटा के प्रबंधन और हमें उत्तर दीजिए कि ललित दास कौन है, क्या है उसकी योग्यता? पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा होना योग्यता है या वर्तमान राज्यपाल का बेटा होना योग्यता है? क्या यह योग्यता कहा जाएगा? भारत एक संवैधानिक राष्ट्र है, क्या बाप के दौड़ने के बदले बेटे दौड़ने का बढ़ेगा? बाप के दौड़ से बेटे दौड़ने का बढ़ेगा? बाप एग्जाम पास करेगा बेटा टीचर बनेगा? तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे चाहे वर्तमान राज्यपाल रहे, ललित दास कौन है, हमको हिसाब किताब चाहिए। राज ना ये चुनावी भाषण देने आए हैं, ना राजनीति की बात करने आए हैं, एक संदेश लेके आए हैं कि कोलांचल और कोल्हान के लोगों, हम दो हमारे दो नहीं, बिल्कुल इस भ्रम में मत रहिए, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल महतो बनाइए, उसको हथियार से लेस कीजिए। अरे कैसे लड़ेंगे आप इनसे, 20 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है इनकी, आप ऐसे लोगों से लड़ पाएंगे? आपका टीचर बेटा लड़ पाएगा? आपका वकील बेटा इनसे लड़ पाएगा? आपका डॉक्टर बेटा इनसे लड़ पाएगा? इसलिए आज कोल्हान और कोलांचल, हम दो हमारे दो नहीं, तीसरा पैदा कीजिए, उसको निर्मल बनाइए, और उन बेईमानों से युद्ध के लिए तैयार कीजिए, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। अरे आप किससे उम्मीद करते हैं? SSP, आपको जानकारी होना चाहिए, SSP टाटा का साथ देते हैं, हिंदू मुस्लिम का राइट होता है, 44 मुसलमानों की दुकान तोड़ी जाती है, उस समय धारा 144 होता है, लेकिन टाटा रातों रात रोड बनाता है, धारा 144 का कहीं जिक्र नहीं होता है, आपकी सुरक्षा कौन करेगा बताइए? कौन करेगा आपकी सुरक्षा, ये हम आप बताइए हमें, कौन करेगा आपकी सुरक्षा? आज ये डोबो का वीडियो किसी हो, कोई डोबो का सीओ है, पहले मैं कहना चाहूंगा यहाँ बहुत सारे पुलिसकर्मी हैं जो ईमानदार हैं, उनको नमस्कार है, IAS रहे चाहे IPS रहे,
जो ईमानदार है उनको नमस्कार है, अगर कंपनी में भी ईमानदार लोग हैं तो ईमानदार उनको नमस्कार है। लेकिन सुनने में आया है कि टोबो का सीईओ 20,000 रुपया प्रति एकड़ अपने बाप का जमीन मोटेशन करवाने के नाम पे मांगता है। ऐसे सीईओ को जो टोबो का सुनने में आया है उसको तो हम उन्हीं में लेके डुबा दीजिए, इस बात को हम चिन्ह ठोक के कहेंगे। उसका बाप का जमीन है क्या? 20,000 नहीं 20 पैसा नहीं मिलेगा, 20 पैसा नहीं मिलेगा। वीडियो का बाप का जमीन है, सीईओ का बाप का जमीन है क्या? लेकिन आपके बाप का दादा का यह जमीन है, ये 4,000 साल से हम यह खेती बाड़ी करते हैं, ये हमारा प्रमाण है। अरे आप तो दुनिया के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि सबसे पहला इंसान सिंहभूम से निकला था। आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर, आप गर्व कीजिए अपने इतिहास पर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया के रिसर्च की टीम कह रही है कि जब दुनिया जल में था और जल से जो मिट्टी का कण पहले बाहर आया था वह सिंहभूम का इलाका था, ये दुनिया के रिसर्च टीम कह रही है। यानी ये जमीन हमारी है, ये भूमि हमारी है, और आज यहां हम बेगाने बन के बैठे हैं, आज यहां हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज हमारे यहां कत्ल किया जा रहा है और एकदम साल दर साल किया जा रहा है, 1977 में 1987 में 1997 में एकदम कंटिन्यूली हमारा कत्ल किया जा रहा है, और आज हम हाथ धर के बैठे हैं। आज हम कहना चाहेंगे, आज बिल्कुल अगर हम होते निर्मल दा के समय, यदि हम होते सुनील दा के समय, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, कसम से आंख से आंसू नहीं बहाते, उनकी मौत के साथ साथ और 100 लोगों को मरने के लिए तैयार करते हैं, और आंख से आंसू नहीं उनको नदी में बहाते जो उनकी मौत का कारण बने थे। हमने आंख से आंसू बहाया, हमने अनाथों जैसा अनुभव किया कि हमारे लीडर चले गए, अब रोने का समय नहीं है, अब बिलखने का समय नहीं है, इंतकाम का समय है, क्योंकि आने वाला 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी ना वो निर्मल दा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो बिरसा मुंडा को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, ना वो शेख भिखारी को पढ़ने का समय जुटा पाएगी, आने वाली पीढ़ी सवाल भी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज आपको अपने हर एक घर से, हर एक परिवार से एक एक औलाद को, चाहे बेटा या बेटी रहे, एक एक औलाद को फौलाद बनाना होगा। ये आज मैं कोल्हान वासियों को कहना चाहूंगा। आज मैं एक सवाल करूंगा इस भीड़ से, मैं सवाल करूंगा टाटा नगरी बसे बड़ी बड़ी इमारतों में बैठे लोगों से कि जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी मालिक कौन था? टाटा का कोई होगा। जब 1907 में टाटा की स्थापना हुई थी मालिक कौन था? हु वाज द फाउंडर, हु वाज द ओनर? टाटा का कोई होगा, नौसेरे भाई टाटा या जो भी उनका नाम है। आज 115 साल बीत चुके हैं, आज टाटा का मालिक कौन है? आज भी टाटा का मालिक टाटा का पंसी है। 100 साल पहले टाटा ने पूंजी का इन्वेस्ट किया था, आज 100 साल बाद भी टाटा का मालिक टाटा का वंशज है। लेकिन एक सवाल होगा मेरा, 100 साल पहले जिन कुर्मियों ने, जिन संथालियों ने, जिन हो ने, जिन गोड़ाई ने, जिन भीवर ने, जिन अल्पसंख्यक ने टाटा में जमीन दिया था, आज उस परिवार के पास क्या नौकरी है? आज हम सवाल करेंगे। अरे आपने पूंजी लगाया, 100 साल बाद आप मालिक है, हमने भी पूंजी दिया है। पूंजी दो प्रकार की होती है इंपॉर्टेंट, एक जमीन, दूसरा अर्थ। अर्थ आपका, मालिक आज आप है, जमीन हमारी, हम कहां ये सवाल करेंगे। ये कैसा देश है जो कहते हैं ये गांधी का देश है, ये किसानों का देश है? गांधी जी कहते थे कि किसानों की आत्मा बसती है गांव में, तो आज कहां है गांव, आज कहां है किसान? केवल पूंजीवादी का हावी, आज चारों तरफ केवल कैपिटलिज्म के लोगों का दबदबा। ठीक है, हम विकास के विरोधी नहीं है, अरे हमने इंसान भी दिया है और जमींदार भी दिया है। हमने इंसान के रूप में कभी बिरसा भगवान को दिया, कभी भागीरथ मांझी, कभी तिलका मांझी को दिया, तो कभी निर्मल महतो,
तो कभी सुनील महतो जैसे शेर को हमने दिया। और जमीन की बात कीजिएगा तो जहां तक टाटा की नजर जाएगी वो जमीन सारी की सारी हमारी है। क्या नहीं दिया हमने विकास के नाम पे? विकास के नाम पे हमारा कत्ल हुआ, विकास के नाम पे हमारा गांव उजाड़ा गया, विकास के नाम पे हमको लूटा गया। और आज अगर हम सवाल करेंगे तो आप हमें उग्रवादी जैसे शब्दों से नवाजेंगे। तो आज ये बात जान लीजिए, भले आज ये आपका समय है क्योंकि प्रधानमंत्री आपके हैं। सही बात है, किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है, भले आप भावनाओं में वोट देते हैं। आज फिर किसान आंदोलन कर रहा है, किसान 700 मर चुके हैं, ये किसानों के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक रूल बनाते हैं, 1984 तक टाटा ने जो 15,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है उसमें मात्र 3,000 एकड़ में प्रोडक्शन का काम हुआ है, मात्र 3,000 एकड़ में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। यदि ये देश और ये वर्तमान के प्रधानमंत्री अगर किसानों के होते तो एक फरमान जारी करते कि बाकी जो आपके पास 12,000 एकड़ बचा है उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है क्या? उसे पोल्ट्री फार्म खोलना है? जी नहीं, रियल एस्टेट को बेचना है। हमारी जमीनें टाटा डिसाइड करेंगे, रियल एस्टेट को बेचना है। इसलिए अगर सच में ये किसानों के प्रधानमंत्री होते तो एक नियम बनाते, और ये नियम है भी, बकायदा न्यायालय में चर्चा हो चुका है कि यदि किसी कंपनी ने जमीन लिया है और उस जमीन पे काम नहीं हुआ है तो रैयत को वापस लौटाना चाहिए। टाटा ने 15,000 एकड़ जमीन लिया है, मानते हैं 3,000 एकड़ पर इन्होंने काम किया है, चलिए 3,000 एकड़ एक्स्ट्रा, अभी भी 10,000 एकड़ जमीन है जो इनके कब्जे में है, वो यहाँ के रैयतों को वापस मिलना चाहिए, तब मानेंगे ये गांधी का देश है, तब मानेंगे किसानों का देश है। आप बोलेंगे हम मान लेंगे, दीजिए 10,000 एकड़ जमीन वापस, तब मानेंगे किसानों का देश है, तब मानेंगे महात्मा गांधी का देश है। आज और तमाम जितने भी आईएएस आईपीएस मिनिस्टर, आज अगर मैं साफ कहूंगा कि संविधान की जितनी हत्या उग्रवादी आतंकवादी करते हैं उससे कहीं ज्यादा वो आईएएस आईपीएस और मिनिस्टर संविधान की हत्या करता है जो पूंजीपतियों का साथ देता है।